पूरी राम कथा तीन पुरी इनके केंद्र में चलती है। अयोध्यापुरी, मिथिलापुरी, लंकापुरी। वो लंका भी पुरी है, सारे देवता आके वहाँ दरबार करते हैं। अयोध्यापुरी है जहाँ जगदीश स्वयं आए, मिथिलापुरी जहाँ भगवती माँ स्वयं आई। इसको इस दृष्टि से विचार करें, प्रतीकवाद के प्रणेता प्रातस्मरणीय पूज्य पंडित रामकिंकर उपाध्याय जी अपने प्रवचनों में प्रतीक के आश्रय में पूरी राम कथा करते थे। प्रतीक, कोई एक पात्र लिया, उसका स्वरूप क्या है, अहम है, अंधकार है, प्रकाश है, दिन है, रात है, वो सत्र उसी प्रकार पूर्ण होता था। माँ जगत जननी भक्ति है, परमात्मा श्री राम ज्ञान है, और रावण अहंकार है, कुंभकर्ण अंधकार है, मेघनाद मद है, बादल। अहंकारी व्यक्ति बिना मतलब गूंजता रहता है, हो चाहे नहीं गर्जना उसकी जारी रहेगी। हम एक त्रिकोण बना, ट्रायंगल बना, अयोध्या, मिथिला, लंका। प्रभु ज्ञान स्वरूप है, माता जी भक्ति स्वरूप है, और यहां अंधकार, मद, अहंकार। जीवन में जब भक्ति और ज्ञान का सुयोग नहीं, संयोग नहीं, समन्वय सामंजस्य स्थापित होता है, किसका? भक्ति और ज्ञान का। भक्ति का परिणय ज्ञान के साथ में जब होता है तो मद, अहंकार और अंधकार सब समाप्त हो जाता है। आज की जो कथा है, भक्ति का परिणय ज्ञान के साथ, फिर यात्रा प्रारंभ होती है। कोई कहे कि जीवन में हमने तो सुख दर्शन नहीं किया, तो उसका अंतिम वाक्य है न दर्शन होने वाला है, क्योंकि सुख तो अनुभूति है ना। सुख कोई कागज पर लिख के थोड़ी आपको देगा कि आप सुखी हैं। सुखी तो होना पड़ता है और दुखी भी होना पड़ता है। स्थिति एक है, अब आपकी मनस्थिति सुखी है तो आप सुखी, और दुखी है तो दुखी। अब जरा इसको अपने प्रकार से देखिए, बड़ा सरल है। भक्ति आएगी नहीं, भक्ति हमारे पास नहीं आएगी। भक्ति जीवन में तभी आवेगी जब कोई साधु संत या तो आकर मिल ले अथवा ज्ञान जाकर मिल ले। यूं नहीं आवेगी, आ गई, बैठे हैं, आ गई, नहीं। जाने से भक्ति मिली, जाना पड़ेगा। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, कुर्सी खाली, आगे आ जाओ।
नीचे माई बैठ नहीं पाती, मेरी बड़ी पुरानी श्रोता है माई, खूब सुनती है कथा। आ जाओ आ जाओ, नारायण नारायण, आगे आगे, हाँ नारायण नारायण, जय जय। तो कोई महात्मा कृपा कर दे, कोई मुनि कृपा कर दे, कोई संत कृपा कर दे, कोई सदगुरु कृपा कर दे, काहे बे ज्ञान को भक्ति तक पहुंचाने में। तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब ज्ञान को ले भक्ति तक पहुंचावे। अब एक बात समझ में आती है कि भगवान की कथा घूम घूम गली गली ये महात्मा लोग क्यों करते हैं, गली गली घूमते रहते हैं क्यों? भक्ति प्रदान करने के लिए। भक्ति रूपी जगन माता का ज्ञान रूपी परमात्मा से परिणय कराकर जीव का कल्याण करने के लिए ये महात्मा लोग विचरण करते रहते। गुरु विश्वामित्र जी महाराज मतलब बैठे थे आनंद से माला जपते, यज्ञ आहुति समर्पित कराते, लेकिन नहीं चैन नहीं पड़ा। तीन शब्द देखिए, तब मुनिवर मन कीन विचारा, विचार किए क्या? धरती के भार को उतारने के लिए भगवान प्रकट हुए, अवतार ले लिए, चले ले आवे। सबका काम अलग अलग है। कल प्रसंग आया था, सबका काम अलग अलग है।
जिसके जी में जिसके निमित्त जो काम है उसको वो कार्य करना चाहिए। मुनि जी आ गए ले गए, देते में कितना क्या कहेंगे, कनपुरिया भाषा में कहें तो झाऊ झाऊ हुआ, कितना संवाद बना, हाँ? अंत तो गत्वा, राम लक्ष्मण प्रभु चले ताड़का। जब भी जीवन में ज्ञान भक्ति का वर्णन करने चलेगा तो ये ताड़का रूपी आसुरी शक्तियां स्थान स्थान पर मिलेंगी। और देखिए अनेक विघ्न उपस्थित होंगे, भगत जी का परीक्षण भी होगा, कईयों का कल्याण होगा, कईयों का उद्धार होगा, और सब कुछ करते कराते भी हम मिथिला प्रवेश कर जाएंगे, यानी भक्तिपुरी में प्रवेश निश्चित होगा। यज्ञ रक्षा हुई, बिना फर का सर भगवान ने मारा, मारीच गया समुद्र पार, सुबाह अग्निबाण मारा प्रभु ने, लक्ष्मण जी महाराज ने निशाचरी सेना का संहार किया। निशाचरी सेना का संहार लक्ष्मण जी ने किया, जब तक हम न चाहें तब तक हमारे जीवन की आसुरी वृत्तियों का संहार संभव नहीं है। हम चाहेंगे तभी हमारे जीवन में आई आसुरी वृत्तियों का संहार होगा। हमको हमारी वृत्तियों के बारे में बोध होना चाहिए।